ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल देर शाम यूपीएससी का रिजल्ट आया है और एक बार फिर से बिहार के अभ्यर्थियों ने अपना झंडा गाड़ा है। हम एक एक करके उन सभी अभ्यर्थियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमारी बात सलोनी खेमका जी से हुई, जिन्होंने यूपीएससी में 27वां रैंक हासिल किया है। सलोनी खेमका ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी की। वो पटना के एक जाने माने उद्योगपति सुनील खेमका की बेटी हैं। तो हमने उनसे एक छोटी सी बातचीत की है, हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी बातचीत के दौरान। हेलो हेलो। हाँ, तो सलोनी खेमका जी, आपने यूपीएससी का जो कि नेशनल भारत का सबसे नंबर वन नेशनल लेवल पर इसके एग्जामिनेशन होते हैं और ये बहुत ही बड़े लेवल पर इसका एग्जाम होता है और आपने उसमें 27वां रैंक पाया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सालों की मेहनत है एंड आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट पेरेंट्स से भी फ्रेंड्स से भी, सो सीइंग दैट लव एंड हैप्पीनेस बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सालों की मेहनत, मतलब आपने कितने साल में अटेम्प्ट किया है, फाइनली आपने यूपीएससी का 27th रैंक पाया है? जी, दिस इज एक्चुअली माय 6th अटेम्प्ट, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था। okay. और मैंने 6 साल की मेहनत की है एंड आई हैव गॉन टू इंटरव्यू पहले बट कभी लिस्ट में नाम नहीं आया था, सो दिस इज माय फाइनल अटेम्प्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ओके, कांग्रेचुलेशंस। एंड आपने प्रिपरेशन कहां से की थी? प्रेपरेशन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं दिल्ली आई थी एंड बिकॉज हब है यहाँ पे राजेंद्र नगर में एंड एवरीबडी सेज यू शुड गो टू कोचिंग एंड ऑल, सो मैं गई थी। मैंने काफी, मतलब 1-1.5 साल मुझे लग गया समझने में, मतलब मैंने अटेम्प्ट भी दिया था उसी बीच में, बट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी का 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया एंड आई स्पोक टू माई सीनियर एंड इट टुक मी अराउंड 1-1.5 ईयर टू फिगर आउट की कैसे करना है। फिर मैंने फाइनली एक बार आई मूव बैक होम पटना, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई क्लियर प्रीलिम्स एंड मेन्स, सो ईच टाइम आई हैव बीन करेक्टिंग माई स्ट्रैटेजी आफ्टर माई अटेम्प्ट। तो आपने कहा कि आपको 6 साल हो गया था और फिर फाइनली आपने अचीव कर लिया, सो इन 6 सालों में आप का किस तरह का आपका फैमिली सपोर्ट, आपका फ्रेंड सपोर्ट किस तरह का रहा उनके साथ? क्या कभी आप पे दबाव बना कि नहीं अब आपको छोड़ देना चाहिए, इस तरह का कुछ? नहीं, थैंकफुली आई वॉज वेरी लकी कि नन ऑफ माई फ्रेंड्स और फैमिली एवर सेड यू नो मत दो, दिस इज अ टाइम वेस्ट और यू नो यू आर टेकिंग सो मच टाइम, ऐसा किसी ने नहीं बोला। बट ऑफकोर्स आप खुद वो प्रेशर फील करते हैं बिकॉज यू नो यू आर इन योर 20s एंड पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग, तो वो इंटरनल प्रेशर ज्यादा था रादर देन एक्सटर्नल प्रेशर। आई हैड अ वेरी सपोर्टिव एनवायरमेंट एंड इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आई कुड कीप गोइंग बिकॉज आई न्यू कि मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है मेरे सराउंडिंग से। अच्छा, तो अभी जैसा कि हम आपने बताया कि 6 साल हो गए एंड इसके साथ क्या आप कुछ और कर रहे थे, जॉब लाइक कुछ भी बिजनेस जॉब किसी और चीज में आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे इस प्रिपरेशन के साथ साथ? या सो एक्चुअली सो मेरे पहले अटेम्प्ट के बाद मैंने कोशिश की कि मैं एक कोर्स ज्वाइन करूं, तो मेरे सब्जेक्ट से जो रिलेटेड कोर्स था जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, मैंने एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कंप्लीट की और फिर मैंने इंटर्नशिप भी किया। बट मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये एग्जाम देना है तो मुझे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से इस एग्जाम को देना पड़ेगा, तो 1-2 चीजें ट्राई करने के बाद मैंने कॉन्सेंट्रेट इसी पे किया है। हॉबीज अपनी साथ में रखी है बट जॉब या इंटर्नशिप वापस से फिर मैंने नहीं किया आफ्टर 2015। उसके बाद आप कंटिन्यू प्रिपरेशन में ही लगे हुए थे? जी। और आपका फैमिली सपोर्ट भी पूरी तरह से आपके साथ था क्योंकि जैसे आप बिहार में रहते हो, बिहार में हर तरह के, मतलब लड़कियां बड़ी होती नहीं है कि या फिर ग्रेजुएशन खत्म होता नहीं है कि सब उस पर प्रेशर डालने लगते हैं, तो आप पे किसी तरह का प्रेशर कुछ भी नहीं था? नहीं, इनफैक्ट मेरे घर में एक्चुअली इस एग्जाम को लेके किसी ने कभी ये एग्जाम दिया नहीं है पहले, तो मैं पहली थी तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में कम थी कि क्या है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, तो बट हर अटेम्प्ट के साथ सबकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ते गई, पेशेंस भी बढ़ा सबका, घटने से ज्यादा इट वॉज मतलब और अंडरस्टैंडिंग हो गए लोग, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए।
बिहार में ऑफकोर्स बहुत सारी लड़कियां जिनको नहीं मिलती है ये अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक अगर मैं कुछ भी कर पाऊं तो इस चीज पे तो मैं जरूर वर्क करूंगी कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, लड़का लड़की कोई भी हो, तो फैमिली सोसाइटी और फ्रेंड्स ये सपोर्ट सबको मिलना चाहिए। और इसके साथ ही आप मतलब जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली में आज तक कभी किसी ने प्रिपरेशन भी नहीं किया है यूपीएससी का जी। तो अभी आपको कब फील हुआ कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है? आपको बचपन से जब आप अपनी स्कूलिंग कर रही थी उसी वक्त से मन था कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर ग्रेजुएशन में आते आते ऐसा कब फील हुआ आपको कि नहीं मुझे यूपीएससी के प्रिपरेशन करने और मुझे अपनी लाइफ इसी में लगानी है? जी एक्चुअली मुझे हमेशा से ये था कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मतलब ये नहीं पता था कि क्या रोल में जाऊंगी, किस पोजीशन पे जाना है, मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना है। जब मैं फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन में और मैं छुट्टियों के लिए आई हुई थी घर, तब मेरे नेबर अंकल ने सजेस्ट किया था कि आप आईएएस को देखो, एंड जब मैंने पूरा समझा कि यूपीएससी का ये प्रोसेस होता है, ये एग्जाम है, तो देन आई न्यू कि ये ही मेरे लिए राइट प्लेस है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी टू वर्क इन, राइट डायरेक्शन है। और तभी से मैंने प्लान किया कि मैं घर आऊंगी और इसके प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। तो अभी आगे की आपकी क्या प्लानिंग है सोशल वर्क को लेकर? सिविल सर्विसेज में आप आ चुके हैं, आप पब्लिक के लिए क्या कुछ आप करने का आपका क्या प्लान है? जी तो बेसिकली एक तो मुझे सिविल सर्विस में घुसने का मौका मिला है, तो आई रियली वॉन्ट कि मैं सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट बन के दिखाऊं लोगों का, जो एक उम्मीद होती है सिविल सर्वेंट से कि उनकी बातें सुने, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आई वॉन्ट कि मैं वैसे सिविल सर्वेंट बनूं, वैसा कॉन्फिडेंस मेरे में लोग रख पाए, एंड सेकेंडली मेरे लिए एजुकेशन फॉर एवरीबॉडी एंड द एनवायरमेंट। आई रियली बिलीव कि मुझे एनवायरमेंट के लिए ये जो पोल्यूशन है या वेस्ट का प्रॉब्लम है ये सब, बिकॉज मैंने अर्बन प्लानिंग की हुई है, तो ये इश्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आऊंगी तो मैं पर्सनली जितना कर सकती हूँ असाइड फ्रॉम सिविल सर्विस जो वर्क है, आई विल गिव माई एंटायर टाइम टू इट। एंड चूंकि आप बिहार की बेटी हैं, सो आपको बिहार की बेटियों के बारे में आपने कुछ सोच रखा है? क्योंकि यहाँ पे आपने अभी कहा कि क्योंकि बिहार में एक एज के बाद काफी प्रेशर बनने लगता है बेटियों पे, तो आपने उनके लिए कुछ सोचा है, उनके फ्यूचर के लिए आपने कुछ प्लान किया है? जी प्लानिंग तो नहीं की है, बट मैंने पढ़ा है बहुत कि इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैंने देखा भी है, लोग बताते हैं अपने प्रॉब्लम्स, एंड गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, तो मुझे पता है कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। तो जैसे जैसे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज आते हैं, मैं वैसे वैसे उनको मैक्सिमम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके बेहतर से बेहतर प्लान करूं, ताकि जो भी स्मॉल से स्मॉल प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी हो, फॉर स्पेशली फॉर गर्ल चिल्ड्रन एंड बिहार की लड़कियों के लिए, ये तो मैं जरूर करना चाहूंगी कि मैं उनके छोटे से छोटे प्रॉब्लम, जैसे गवर्नमेंट ने साइकिल वाली योजना निकाली है वैसे जी जो छोटे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, और जो बड़े तरीके से कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है, उनको हायर एजुकेशन में भेजना है, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट, बट कोई अभी स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छा, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहती हैं जो अभी भी यूपीएससी का प्रिपरेशन, क्योंकि आपने सबसे पहले कहा कि 6 साल आपको लगे प्रिपरेशन करने में और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था और लास्टली आपने कर ही दिखाया, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत लोग ये सोच के मे बी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और फिर भी उनकी एज बाकी रहेगी, तो क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहती हैं? मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो है कि 100% आपको यही करना है, देन आप अटेम्प्ट और एज में मत आप इस चीज को गिनो, बिकॉज मैं खुद छठे अटेम्प्ट में बनी हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया उम्मीद कि मैं छठे अटेम्प्ट में नहीं बन सकती हूँ, वो उम्मीद रहती है, वो इंटरेस्ट रहता है, वो पैशन रहता है, तो आप डोंट लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ एज या अटेम्प्ट, आप बस ये देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके स्ट्रेंथ क्या है और आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, जहां तक मिले जिनका सपोर्ट मिले उन पे रिलाय करो एंड कीप वर्किंग। तो एक छोटा सा और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना, जो मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके मदर फादर उनकी क्या प्रोफेशन, उनका प्रोफेशनल लाइफ क्या है, आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए। जी जी
सो बेसिकली मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन है जी। और मेरे पापा बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, उनकी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सीमेंट की जी। तो मेरा हमेशा बिजनेस बैकग्राउंड से ही अपब्रिंगिंग रहा है। okay. मेरी मॉम एक बुटीक चलाती है पटना में, तो शी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने दोनों की वर्क एथिक देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, तो हार्ड वर्क करने का मेरे में हमेशा था कि बिकॉज आई सी देम वर्क एवरी डे वेरी हार्ड, तो ये तो था। और मेरी जो छोटी बहन है वो अभी कॉलेज कर रही है, वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही है, एंड आई एम होपिंग कि दोनों उनका भी नेक्स्ट यही रहेगा। नहीं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनकी इंटरेस्ट अलग है, बट पढ़ाई करने से और आगे बढ़ने से उनको भी किसी ने नहीं रोका है, बहुत सपोर्ट है फैमिली का, एंड आई होप कि शी विल डू वंडर्स एज वेल। तो चलिए, हम आपको बहुत सारी बधाइयां देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पब्लिक के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकें, बिहार की बेटियों के लिए कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने बिहार की बेटी सलोनी खेमका जी की बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति चांदियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।